हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे फैक्ट्स अबाउट गांधी जी से। लास्ट हमने गांधीयन ईरा के बारे में ब्रीफ में देखा था। हमने देखा था कि पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या काम करे थे। फिर गांधी जी इंडिया में आए, इंडिया में आकर उन्होंने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करा, ये सारी चीज़ें हमने ब्रीफ में पढ़ी थी। अब हम करेंगे गांधी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें और उसके बाद गांधी जी ने कौन कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा था, उन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, जो भी इवेंट्स हुए थे गांधी जी के टाइम पे, राइट। तो फैक्ट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। जो गांधी जी का जब जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ गांधी जयंती, और उस दिन पूरे के पूरे इंडिया में नेशनल हॉलीडे होती है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड यूएनओ ने डिक्लेयर करा हुआ है 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी और इनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। इनके कुछ पॉलिटिकल गुरु कौन थे, इनके गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके दो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, एक तो थे महादेव देसाई और दूसरे थे प्यारेलाल नैयर। फिर बात करते हैं लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी। गांधी जी पे कौन कौन से लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस पढ़े थे, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने पढ़ी थी जिनसे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। उसमें सबसे पहले आती है जॉन रस्किन की अन टू दिस लास्ट, फिर एमर्सन, थॉरियो लियो टॉल्स्टॉय, बाइबल, गीता, इन सब बुक्स से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। और इसके चलते हुए उन्होंने कुछ खुद के भी उनके लिटरेरी वर्क्स है। इसमें सबसे पहले आता है सर्वोदय। सर्वोदय 1908 में लिखी थी। इसमें इन्होंने जो रस्किन जॉन रस्किन की थी अन टू दिस लास्ट, उसको गुजराती में ट्रांसलेट करा था। फिर 1909 में हिंद स्वराज, फिर 1927 में इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसमें इन्होंने, जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उसमें इन्होंने अपने ही लाइफ इवेंट्स के बारे में लिखा था 1921 तक, इनकी लाइफ के साथ जो जो भी हुआ था इनकी लाइफ के सारे इवेंट्स इन्होंने उस बुक में लिखे हुए हैं, और बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। फिर गांधी जी एडिटर भी रह चुके हैं, एज ए एडिटर भी इन्होंने काम किया है। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू करा था 1903 में और 1915 तक चला था। अब ये जो न्यूज़पेपर थे ना, ये इंडियंस शुरू तो करते थे बट बाद में जो ब्रिटिशर होते थे वो न्यूज़पेपर्स को बंद कर देते थे। रीज़न बीइंग के जो न्यूज़पेपर इंडियंस के होते थे उसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही ज़्यादातर जो न्यूज़ होती थी वो छपती थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स कुछ देर के बाद उनको बंद कर देते थे। तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर के एडिटर थे। ये जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर था ये इंग्लिश में भी था और गुजराती में भी था, और कुछ टाइम पीरियड के लिए हिंदी और तमिल में भी छपने लग गया था। फिर हरिजन न्यूज़पेपर के एडिटर थे, 1990 से लेकर 31 तक ये न्यूज़पेपर चला था। इंग्लिश में था, गुजराती और हिंदी में, तीन लैंग्वेजेस में था ये न्यूज़पेपर। फिर एक आता है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में था, 1933-42 तक चला था ये, और इसका जो गुजराती नेम था गुजराती में भी छपता था, और इसका जो इसी न्यूज़पेपर का जो गुजराती नेम था वो था नवजीवन। इसके अलावा गांधी जी के बहुत सारे नाम भी थे। गांधी जी को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते थे। 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी का नाम रखा था महात्मा। वो गांधी जी को महात्मा मानते थे। महात्मा का मतलब होता है हाई सोल्ड पर्सन, सैंट टाइप बंदा जो, ठीक है। 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा का नाम दिया था। फिर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कबायली थे उन्होंने 1930 में इनको नाम दिया था मलंग बाबा का, और नंगा फकीर भी बोला जाता है जिसको। फिर 1931 में विंस्टन चर्चिल ने इनको नाम दिया था हाफ नेक्ड सेंट, मतलब अर्धनंगा फकीर, इंडियन फकीर, ट्रेटर फेयर, ये सारे नाम दिए थे इनको विंस्टन चर्चिल ने। फिर फाइनली 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको बोला था राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता मीन्स फादर ऑफ द नेशन, ये पूरे के पूरे नेशन के ही फादर मानते थे वो, इनको राष्ट्रपिता मानते थे सुभाष चंद्र बोस। इनके और भी बहुत सारे नेम्स हैं, इनको बापू भी बोला जाता था। बापू का मतलब होता है गुजराती में फादर, गुजराती में जो फादर होते हैं उनको बापू बोला जाता है, तो इनको बापू भी बोलते थे बहुत सारे लोग, गांधी जी भी बोलते थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन इवेंट्स ड्यूरिंग द गांधीयन ईरा। गांधीयन के टाइम पे जो मेन इवेंट्स हुए थे उनको आज हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। 1918 में क्या हुआ था, 1918 में इंडिया के जो वॉइस राय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उन्होंने एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट करी थी,
और उसमें जो जस्टिस रॉलेट थे वो भी उस कमेटी में ही थे, और उन्होंने सीडिशियस जो एक्टिविटीज जो इंडिया में थी, सीडिशियस एक्टिविटीज को रोकने के लिए उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, और उन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पे फिर रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ था। अब जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो रॉलेट एक्ट में था क्या? रॉलेट एक्ट में था कि अगर आपको किसी पे भी शक होता है तो आप शक के आधार पे उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हो, इवन के जेल भी कर सकते हो विदाउट ट्रायल, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट में जो गवर्नमेंट ने किया था कि टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल, बस शक के आधार पे या बंदे को उठा लो, आपको किसी बंदे पे शक है कि हो सकता है ये कल को कोई उल्टा सीधा काम करे तो आप उस बंदे को उठाकर जेल में कर दोगे, तो ये तो बात सही नहीं है ना। तो इसी बात को चलते हुए इंडियंस को आया बहुत सारा गुस्सा, तो रॉलेट एक्ट तो उन्होंने पास कर दिया। इवन जब रॉलेट एक्ट पास होना था, रॉलेट एक्ट के पास होने से पहले भी इंडियंस को पता था कि इस चीज के रिगार्डिंग ये कुछ एक्ट लेकर आ रहे हैं, तो इंडिया में उसके रॉलेट एक्ट पास होने से पहले से ही एजिटेशन शुरू हो गए थे। तो जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो फिर गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल 1990 को सत्याग्रह शुरू करा था, फिर बाद में 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो जब गांधी जी को अरेस्ट करा उसके चलते हुए जो दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में एजिटेशन चल रहे थे वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए और भी ज्यादा तेज हो गए वहां पे जो एजिटेशन हो रहे थे। फिर नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाले बाग में क्या हुआ था? अब इसकी जो शुरुआत हुई थी जलियांवाले बाग के मैसेकर की, ये शुरुआत हुई थी 10 अप्रैल 1919 को, बेसिकली रॉलेट एक्ट की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ था। अब रॉलेट एक्ट पास हो गया, रॉलेट एक्ट के चलते हुए रॉलेट एक्ट के अंडर इन्होंने 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब रॉलेट एक्ट के अंडर अरेस्ट करा था मतलब उन लोगों को शक था इन पे, इन्होंने किया तो अभी तक कुछ नहीं था ना, तो रॉलेट एक्ट के अंडर उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। अब जब इनको अरेस्ट करा तो इनको अरेस्ट करने के बाद पंजाब में और भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो गया, पंजाब में जो एजिटेशन चल रही थी वो और भी बहुत भयंकर हो गई। तो उसके चलते हुए अब इनको अरेस्ट करने के चक्कर में इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग रखी थी 13 अप्रैल 1919 को, कहां पे रखी थी? जलियांवाला बाग में रखी थी। जलियांवाला बाग है अमृतसर, पंजाब में पड़ता है। तो अब इनको अरेस्ट करने के अगेंस्ट इन्होंने पब्लिक मीटिंग रखी, तो जहाँ पे जो पब्लिक मीटिंग हो रही थी वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, उसमें वुमेन भी थी, चिल्ड्रन भी थे, मैन तो थे ही थे, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे उस एजिटेशन में, तो एजिटेशन ही बोलेंगे मीटिंग में, जो जलियांवाले बाग की मीटिंग थी उस मीटिंग में बहुत सारे लोग आए थे। तो अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, अभी लोग आकर बैठे ही थे, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही जो उस टाइम के जनरल रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर जो भी थे उस टाइम के आरएच डायर, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि फायरिंग कर दो जलियांवाले बाग पे। अब जो जलियांवाला बाग था ना, जैसे ये वाला जलियांवाला बाग है तो इसकी एक ही ओपनिंग थी, एक ही एंट्री थी जो जलियांवाले बाग की, सिर्फ यहीं से लोग एंटर कर सकते थे और इसमें कोई भी एंट्री या एग्जिट नहीं था, और ये वाली जो एंट्री थी वो बहुत ही छोटी थी तो इसको कवर करना बहुत इजी था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहीं पे सारे ब्रिटिशर्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने गोलियां मारनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे और सभी पे गोलियां मारनी शुरू कर दी, और ये माना जाता है कि जो जलियांवाला बाग है वहां पे एक कुआं था, तो लोग जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांगे मारने लगे। तो अब कुएं में बहुत सारे लोग कूद जाएंगे तो जो नीचे वाले लोग है वो तो सफोकेशन से ही मर जाएंगे ना, तो जिसके चलते हुए जो जलियांवाले बाग में जो गोलियां चली थी उससे बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड, बहुत सारे लोग मर गए और 1200 से भी ज्यादा लोग थे जो जख्मी हो गए जलियांवाला बाग में। अब उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था उस टाइम पे पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे माइकल ओडवायर। तो जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हुआ था उसके बाद जो इंडो ब्रिटिश रिलेशन था उनके बीच में आया एक टर्निंग पॉइंट। अब इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए। अब इंडियंस जो जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था उससे इंस्पायर होकर फिर इंडियंस सारे के सारे अपनी फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने लगे। अब उसके बाद जब जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था तो उस टाइम पे ये माना जाता है कि सरदार उधम सिंह जो थे वो बहुत ही छोटे थे, एक छोटे से बच्चे थे, तो वो उस टाइम पे एक पेड़ पे बैठे थे, पेड़ पे बैठकर ये सारा इंसिडेंस देख रहे थे कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने गोलियां चला दी एकदम से कर। अब इनका कसूर क्या था लोगों का जो जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए थे, इनकी क्या गलती थी? कोई भी गलती नहीं थी, ये तो सिर्फ एक मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे जो भी इन्होंने रॉलेट एक्ट
लेकर आए थे उनके अगेंस्ट, उसके लिए डिस्कस करने के लिए, एक मीटिंग के लिए ये तो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, बट ब्रिटिशर्स ने इन पे गोलियां चला दी। तो सरदार उधम सिंह जो थे वो उस टाइम पे एक पेड़ पे बैठे थे, तो इन्होंने सारा इंसिडेंट देखा। तो फिर इन्होंने सोचा कि जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर है माइकल ओडवायर, उनको मारना है। तो उसी दिन से उन्होंने ठान लिया था और फाइनली 1940 में लंदन में जाकर उन्होंने माइकल ओडवायर को मार दिया। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।